सेंचुरी BCE। ये वो दौर है जिसको लेकर कहा जाता है कि पूरी मानवता के इतिहास में सबसे पहली बार मल्टीवर्स का जिक्र इसी समय हुआ था, जब फेमस प्री सोक्रेटिक ग्रीक फिलोसोफर एनैक्सिमेंडर ने अनंत दुनियाओं का आइडिया और उनकी को एग्जिस्टेंस को लेकर अपने विचार पेश किए थे। अब इस बात को खुद विकिपीडिया पर कोट किया गया है और ऐसे भी बहुत से सोर्सेज हैं जो इस चीज पर बिलीव करते हैं। लेकिन दोस्तों, सरप्राइजिंगली हमारी भारतीय संस्कृति में इस घटना के करीब 194 साल पहले ही मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट को लिटरेचर में पोर्ट्रे कर दिया गया था, जब महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बाकी अंशों में हनुमान जी के भगवान राम को बचाने के प्रयास का उल्लेख किया गया था। अब इस टॉपिक पर ना हमने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिस पर आज 800,000 से ज्यादा व्यूज है और उसे देखकर लाखों लोग हमारी संस्कृति की इस अनकही कहानी के बारे में जान पाए थे। अब अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसे अभी चैनल पर जाकर देख सकते हो। मगर दोस्तों, जब भी बात आती है मल्टीवर्स की ना, तो आज भी इसे एक हाइपोथेटिकल टॉपिक की तरह ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन क्यों? वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि साइंस की दुनिया में भले ही किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग सोर्सेस क्यों ना हो, जब तक उसे खुद से विटनेस या ऑब्जर्व नहीं कर लिया जाता ना, तब तक उसे हाइपोथेसिस की ही कैटेगरी में रखा जाता है। मगर आज के इस वीडियो में हम ऐसे 3 माइंड बॉगलिंग मेथड्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके थ्रू मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस को समझा जा सकता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो मल्टीवर्स पर बनाई गई आज तक की बाकी वीडियो से काफी ज्यादा अलग होने वाली है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक श्लोक लिखा है which translates into and who will search through the wide infinites of space to count the universes side by side each containing its Brahma, its Vishnu and its Shiva। अब दोस्तों, Wisdom of the Serpent नाम के एक famous philosophical book में भी ब्रह्म पुराण के साथ साथ ऐसे और भी कई references का mention किया गया है जो बताता है कि हमेशा से philosophical तरीके से multiverse को कितना ज्यादा mention किया गया है। लेकिन दोस्तों, मल्टीवर्स का साइंटिफिक मेंशन शुरू हुआ साल 1895 से, जब लुडविंग बोल्ट्जमैन और फ्रेडिनांड जर्मेलो के बीच मल्टीपल यूनिवर्सेस को लेके एक फेमस डिबेट शुरू हुआ था। बट इसको फेमस करने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है एरविन श्रोडिंगर को, जिन्होंने साल 1952 में डबलिन में इसी कॉन्सेप्ट को लेकर लेक्चर दिया था। एंड ही स्टार्टेड द लेक्चर बाय सेइंग कि अब मैं जो कुछ भी कहने वाला हूं ना, उसे सुनने के बाद शायद आप सब लोग मुझे लुनाटिक यानी कि पागल समझेंगे। तो उन्होंने आखिर ऐसा क्या कहा था जिससे लोग उन्हें पागल समझ सकते थे? वेल, इट वॉज द फर्स्ट वे दैट्स टेल हाउ मल्टीवर्स कैन एग्जिस्ट इन रियल टाइम। तो दोस्तों, उन्होंने जो आइडिया प्रेजेंट किया वो आइडिया नींव बनी क्वांटम मैकेनिक्स के साथ लिंक की जाने वाली मल्टीवर्स की सबसे ट्रस्टेड थियरी मल्टी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के लिए। देखो, अभी तक हम हमेशा मल्टीवर्स को लेकर यही समझा करते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई चॉइस रखा जाता है ना, तभी टाइम लाइन में ब्रांचेस क्रिएट हो जाती है, जहां एक ब्रांच में हमने किसी एक चॉइस को सिलेक्ट किया था तो वहीं दूसरी ब्रांच में किसी दूसरी चॉइस को। बट इस जद्दोजहद में हमेशा सबसे बड़ा सवाल ये रहता था कि अगर टाइमलाइन क्रिएट होती है तो वो टाइमलाइन आखिर एग्जिस्ट करती कहाँ है? और मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन इसी का जवाब देती है। मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के हिसाब से भले ही किसी डिसीजन को लेकर किसी की लाइफ में इनफाइनाइट टाइमलाइंस क्रिएट होती हो, पर वो सारी की सारी एग्जिस्ट एक सेम ही फिजिकल स्पेस में करती है। नहीं समझे? चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, उदाहरण के तौर पर मान लो अगर आप एक कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं, तो कॉइन के फ्लिप करने से ना दो टाइमलाइंस क्रिएट हो जाती है। एक आपकी टाइमलाइन जिसमें हेड्स आया होगा और एक दूसरी जिसमें टेल्स आया होगा। लेकिन जिस जगह पर आप खड़े हैं, टाइमलाइन वहां से स्प्लिट होकर किसी दूसरे यूनिवर्स को जन्म नहीं देगी, बल्कि उसी फिजिकल स्पेस में आपका एक दूसरा वर्जन क्रिएट हो जाएगा जो किसी दूसरे डायमेंशन में टेल्स वाला सिक्का पकड़े होगा। ये थियरी फॉलो करती है क्वांटम मैकेनिक्स के दो प्रिंसिपल्स को। नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ऑफ सुपरपोजिशन, जो वेव फंक्शन कोलैप्स पे रिलाई करता है। एंड नंबर 2, थियरी ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट।
अब दोस्तों पहले वाले प्रिंसिपल के ऊपर हम अपनी पुरानी वीडियोस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट में बहुत ही डीपली डिस्कस कर चुके हैं, जिसके बारे में अगर आपको जानना हो तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। पर फिर भी अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करना हो तो ये थियरी कहती है कि एक मैटर या फिर एक पार्टिकल एक समय पर कई स्टेट्स में मौजूद हो सकता है, वो भी साइमल्टेनियसली। यानी मान लीजिए अगर मैं सोफे पर उछलना शुरू कर दूं तो 4D प्लेन पर मेरा एक वर्जन ऐसा भी होगा ना जो शांति से बैठकर फोन चला रहा होगा। इन शॉर्ट, सोफे की इस फिजिकल स्पेस में हम दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही आप मुझे ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे हम दोनों के वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाएंगे और आप मुझे सोफे पर जंप करते हुए ही विटनेस करेंगे। अब देखो ये थियरी ना तब तो सेंस बनाती है जब हम लोग ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जब कोई डिसीजन किसी स्टेबल फिजिकल स्पेस पर हो रहा होता है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब बात आती है डिस्टेंट वाली जगहों की। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे दो जगह से अप्रूवल मिलता है। अब एक जगह न्यूयॉर्क में है तो दूसरी जगह नई दिल्ली में है। अब अगर मैं न्यूयॉर्क का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे किसी वर्जन ने नई दिल्ली का ऑप्शन भी सिलेक्ट किया होगा, तो ऐसे में हमारी फिजिकल स्पेस ही पूरी तरह से बदल गई है। तो क्या अब भी मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन अपने आप को जस्टिफाई कर पाएगी? वेल, इसी कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करता है क्वांटम इंटेंगलमेंट थियरी, जो ये स्टेट करती है कि क्वांटम वर्ल्ड में दो पार्टिकल्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, और भले ही ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से कितना ही दूर क्यों ना चले जाए, इनका फेथ हमेशा सेम ही होता है और ये हमेशा एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे। यानी अगर मैं न्यूयॉर्क में शिफ्ट होकर वहां पर सेटल भी हो जाऊं ना तो भी मैं न्यू दिल्ली वाले अपने वर्जन से लिंक्ड रहूंगा ही रहूंगा, क्योंकि हम दोनों ही क्वांटम इंटेंगलमेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब ये थियरी टेक्निकली सजेस्ट करती है कि हमारा ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक मल्टी डायमेंशनल फिजिकल स्पेस है और इस एक स्पेस में ही हमारे अलग अलग वर्जन्स कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं ना कि उनके सेम स्पेस में होने के बावजूद हमारा कभी भी उनसे इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। अब दोस्तों कई बार ऐसा हुआ भी है कि कुछ लोगों ने ऐसी दुनिया में जाने के दावे किए हैं जो उनकी खुद की दुनिया से काफी अलग हुआ करती थी। मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऐसी सिचुएशन को भी स्पेशल केस मानते हुए जस्टिफाई करती है और एक्सप्लेन करती है कि ऐसा तब होता है जब क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से हमारे वर्जन हमारे ही किसी दूसरे वर्जन के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के डायमेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड में हमारे अनंत वर्जन्स भले ही एक दूसरे से कितने ही दूर और कितने ही डिफरेंट क्यों ना हो, क्वांटम इंटेंगलमेंट की वजह से इन सब के बावजूद हम हमेशा जुड़े हुए ही रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब दोस्तों हमारे यूनिवर्स को नापने के लिए ना आज तक बहुत सारे आंकड़े दिए जा चुके हैं, जहां कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऐसा मानते हैं कि हमारा पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स के एरिया में फैला हुआ है। तो वहीं पर साल 1940s में फेमस ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट आर्थर एडिंगटन ने भी प्रपोज किया था कि इस पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 10^80 प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसे एडिंगटन नंबर के नाम से भी जाना जाता है, और ये रेफरेंस बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स फाइनाइट है जो कि लगातार एक्सपैंड जरूर कर रहा है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं इसका अंतिम छोर जरूर मौजूद है, और उस अंतिम छोर जिसे एज ऑफ द यूनिवर्स भी कहते हैं कि बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है इनफाइनाइट स्पेस, जिसमें क्या एग्जिस्ट करता है ये कोई नहीं जानता। अब दोस्तों कोई कहता है कि उस इनफाइनाइट स्पेस में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, तो कोई कहता है कि इनफाइनाइट स्पेस में भी ढेर सारे तारे और गैलेक्सीज मौजूद हैं। मगर मल्टीवर्स की एक थियोरी के हिसाब से जैसे ही हमारे यूनिवर्स की बाउंड्री खत्म होती है ना, वैसे ही इस इनफाइनाइट स्पेस में किसी दूसरे यूनिवर्स की शुरुआत होती है। अब इसको समझने के लिए आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, उसके सेंटर में एक सर्कल बनाइए और उस सर्कल के आसपास ढेर सारे सर्कल्स को ड्रॉ कर दीजिए। नाउ बेसिकली अगर आप उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को इनफाइनाइट स्पेस का एक छोटा सा हिस्सा मानेंगे ना, और सेंटर में बनने वाले इस सर्कल को हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मानेंगे, तो इस थियरी के हिसाब से जो बाकी के सर्कल्स आपने आसपास बनाए ना, वो सर्कल्स भी अपने आप में एक यूनिवर्स को कंटेन करता है। इस थियरी के हिसाब से हमारे ही यूनिवर्स की तरह इस इनफाइनाइट स्पेस में इनफाइनाइट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती है जो अपनी अपनी रेट से एक्सपैंड हो रही है, और चूंकि ये सभी यूनिवर्सेस एक दूसरे से इतना दूर है और हमारा अपना यूनिवर्स भी लाइट से ज्यादा की स्पीड पर एक्सपैंड कर रहा है, तो मैथमेटिकली और लॉजिकली भी हम कभी भी उस दूसरे यूनिवर्स पर नहीं जा पाएंगे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मल्टीवर्सल ट्रैवल वुड ऑलवेज बी एन इम्पॉसिबिलिटी टू अस, अनटिल और अनलेस कोई डॉक्टर स्ट्रेंज ना पैदा हो जाए।
दोस्तों मल्टीवर्स की दुनिया में प्रेजेंट की गई ये सबसे नई थियोरीज में से एक है जिसके बारे में बहुत सारी बातें तो अभी नहीं पता है, मगर इसकी जितनी भी जानकारी है वो भी इसको काफी खास बना देती है। अब इसे समझने के लिए चलो इमेजिन करो कि एक के ऊपर एक 5 ट्रैम्पोलिन्स रखे हुए हैं और आप सबसे ऊपर वाले ट्रैम्पोलिन पर मौजूद है। नाउ यहाँ पर जो ट्रैम्पोलिन सबसे नीचे मौजूद है वो ऊपर के चारों ट्रैम्पोलिन्स को होल्ड कर रहा है। नाउ दिस लोअर मोस्ट ट्रैम्पोलिन इज कॉल्ड बल्क, जबकि ऊपर के जो चारों ट्रैम्पोलिन्स है वो सारे हैं ब्रेन्स। नाउ अगर आप सबसे ऊपर खड़े होकर जंप करेंगे ना तो ऊपर वाले ट्रैम्पोलिन पर हरकत जरूर होगी, लेकिन उसका फैब्रिक नीचे वाले ट्रैम्पोलिन से इंटरैक्ट नहीं करेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन दोनों के ही अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और इन दोनों का लेवल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब ब्रेन थियरी कहती है कि सारे यूनिवर्सेस अपने आप में एक ब्रेन है जो बल्क नाम के इस एक्सट्रीमली लार्ज हायर डायमेंशनल प्लेन का हिस्सा है। अब सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये पक्का इनफाइनाइट स्पेस थियरी की तरह ही होगा, बट हियर्स द कैच। देखो ब्रेन थियरी सजेस्ट करती है कि ग्रेविटी और कुछ फंडामेंटल फोर्सेस को छोड़कर सभी ब्रेन यूनिवर्सेस में फोर्सेस अलग अलग तरह से एक्ट करती है और उनके अपने अलग अलग फिजिक्स के कॉन्स्टेंट होते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल ब्रेन ए बी सी में, जहां ब्रेन ए में फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटी वगैरह ब्रेन बी से डबल होंगी, तो वहीं पर यही फोर्सेस ब्रेन सी में ब्रेन ए के कंपैरिजन में 4 गुना भी हो सकती है। अब देखो कहने का मतलब यह है कि जहां कुछ फोर्सेस बल्क में एग्जिस्ट करती है तो वहीं पर कुछ फोर्सेस हर इंडिविजुअल ब्रेन में अलग अलग तरह से मौजूद होती है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शायद इसी वजह से हमारे यूनिवर्स की ग्रेविटी इतनी ज्यादा वीक है, क्योंकि वो बल्क में मौजूद बाकी फोर्सेस के कंपैरिजन में कमजोर पड़ जाती है। और चूंकि कंप्लीट बल्क के कंपैरिजन में हमारा यूनिवर्स यानी कि हमारे ब्रेन की ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ कम है, इसीलिए हम हमेशा से ग्रेविटी को बाकी फोर्सेस के कंपैरिजन में वीक ही ऑब्जर्व करते आए हैं। अब एक और आइडिया के हिसाब से हर यूनिवर्स की स्ट्रिंग्स में एक यूनिक वाइब्रेशन होती है जिस वजह से हर ब्रेन को उसकी यूनिक आइडेंटिटी मिल पाती है। अगर हम किसी तरह से किसी पर्टिकुलर जगह की स्ट्रिंग वाइब्रेशन को किसी दूसरे ब्रेन की स्ट्रिंग वाइब्रेशन से मैच करवा पाने में सक्सेसफुल हो जाते ना, तो पॉसिबली हम एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में या यूं कहे कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी को भी हासिल कर पाएंगे। नाउ अगेन ये थियरी अभी भी बहुत ही अर्ली फेजेस में है, जिस वजह से इसमें अभी भी ढेर सारे गैप्स नोटिस किए जा सकते हैं और कंप्लीट डिटेल्स का भी अभी भी कहीं ना कहीं अकाल ही दिखता है। पर आपके हिसाब से मल्टीवर्स को लेकर इन तीनों में से कौन सा मेथड सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखकर बताना। और दोस्तों रिसेंटली हमने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया था जो कि कहीं ना कहीं मल्टीवर्स के प्रूफ्स हमें देती है। वो एक्सपेरिमेंट इटरनल इन्फ्लेशन थियरी के ऊपर बेस्ड है। अब उस वाले एक्सपेरिमेंट को देखना है और उस पूरे कहानी को जानना है ना, तो आप इस वीडियो को जाकर जरूर देखना। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जरूर जाना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।